अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर रियल एस्टेट से मैं हूं मियां वकास। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333417716। व्यूअर्स, आज आपको एल डी सिटी फेज वन का लेटेस्ट ड्रॉन वीडियो अपडेट आपको दे रहे हैं। इस वक्त हम लोग इसके सी ब्लॉक पे इस वक्त हम लोग आपको व्यू दिखा रहे हैं इसका, क्रिकेट स्टेडियम का। ये देखिए सारा सी ब्लॉक है व्यूअर्स। बड़ा फेयर बैलेट हुआ है। इन्होंने टोटल जो नंबर ऑफ प्लॉट्स दिए हैं इसमें जो बैलेट किए हैं वो अप्रॉक्सीमेटली को 11,397 के करीब प्लॉट्स हैं टोटल फेज वन के। ये डी ब्लॉक का पीछे भी इस पे अभी काम शुरू नहीं हुआ। डी ब्लॉक के बैक साइड पे जाके थोड़ा काम इन्होंने शुरू किया है। 2 माह आपको पता हुए हैं इसमें, मैक्सिमम 2 माह में जितना काम हो सकता था इन्होंने किया है। और सुनने में आ रहा है कि अगले 1-2 माह के अंदर ये मजीद 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी कुछ 6 कॉन्ट्रैक्टर्स टोटल जो ना इस पे काम करेंगे। ये ई ब्लॉक का लेआउट है, इस पे भी देखें काम थोड़ा बहुत उन्होंने किया है। लास्ट वीडियो में ऐसा नहीं था। ये एच ब्लॉक है और सेंटर में ये चनाब रोड के नाम से, ये 200 फीट का मेन वाइड रोड है। ये वही रोड है जो इन्होंने काचा रोड के साथ कनेक्ट करना है। ये सी ब्लॉक का आपको व्यू दे रहे हैं और ये ई ब्लॉक आ गया जी। ये जी ब्लॉक है व्यूअर्स, ये बिल्कुल स्टार्ट पे चुके आ जाते हैं। ये 200 फीट वाइड रोड है, चनाब रोड जिसे कहते हैं। ये 75 फीट रोड है, ये बेसिकली डिवाइडेड रोड है एच और जी ब्लॉक का व्यूअर्स। इसमें थोड़ा सा आपको मैं प्राइसेस के हवाले से और भी दे दूं इसको। इसमें जो 5 मल्ला की प्राइसेस हैं, एक्सपेक्टेड प्राइसेस ही बता सकूंगा मैं आपको कि इसमें कोई 18 लाख से लेके कोई 29 लाख तक की प्राइसेस हैं 5 मरला की। और जो 10 मरला है वो मिनिमम कोई 28-29 लाख से लेके मैक्सिमम को 42 की रेंज में है। एक कनाल जो है वो 45 से लेके और 65 मैक्सिमम इसकी एक कनाल की प्राइस रेंज, एक्सपेक्टेड जो रेंज है वो आपको बता रहा हूँ। ये वही 200 फीट रोड है, चनाब रोड। राइट साइड पे एच ब्लॉक है, लेफ्ट साइड पे ई ब्लॉक है और जे ब्लॉक आपको बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। और सेंटर में ये 200 फीट रोड है, फिर लेफ्ट साइड पे एफ ब्लॉक है। बिकॉज एफ ब्लॉक सबसे ज्यादा डेवलप किया है इन्होंने और बड़ी खूबसूरत कटिंग है इस पे। लेआउट पे आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। व्यूअर्स, इसमें इसके डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूं। अभी प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं की एलडीए ने, ये बैलेटिंग वाले दिन इन्होंने कहा था कि आने वाले कोई 15-20 दिनों में हम अनाउंस कर देंगे। लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि इसमें जो 5 मरला के डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 5,75,000 होंगे और इसकी जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है वो बनेगी अप्रॉक्सीमेटली कोई 72,000 और ये 2 साल की इंस्टॉलमेंट में पे करने क्वार्टरली बेसिस पे। ये देखें व्यूअर्स, ये ई ब्लॉक का लेआउट है और ये 200 फीट रोड सेंटर से गुजर रहा है। ये कुछ लैंड पे भी काम शुरू नहीं हो सका और ये जे ब्लॉक है। व्यूअर्स, 10 मरला के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 8,50,000 हैं, 2 साल की इसकी क्वार्टरली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट होंगी और इसमें जो इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनती है वो 1,06,250 रुपए है। ये एफ ब्लॉक का अपर पोर्शन है और इसके बिल्कुल ऊपर डी ब्लॉक का आप देख रहे हैं और ई ब्लॉक। ये डी ब्लॉक का लेआउट है और इसके साथ लेफ्ट साइड पे फिर ई ब्लॉक की कटिंग है जी। व्यूअर्स, एक कनाल के यहाँ पे जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 12.5 लाख हैं और इसकी जो क्वार्टरली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट बनेगी 1,56,250 रुपए बनेगी। 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स में ये लेंगे। ये एक्सपेक्टेड है, प्रॉपर जो ना ऑफिशियली, ये अनऑफिशियल है, ऑफिशियली जो ना अनाउंसमेंट अगले 10-12 दिन में हो जाएगी। ये व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग ई ब्लॉक के ऊपर से गुजर रहे हैं और 75 फीट रोड है और सी ब्लॉक यहां से ऊपर जितनी कटिंग है सी ब्लॉक की शुरू हो जाएगी। सामने आपको स्टेडियम नजर आ रहा होगा जहां से हम लोग अंदर की तरफ आए हैं। ये सारा सी ब्लॉक है और सी ब्लॉक को भी सुनने में आ रहा है कि जी ये जल्दी डेवलप करके इनकी कोशिश है कि सी ब्लॉक को
पहले पोजेशन दे दिया जाए। यहाँ पे मस्जिद वगैरह का भी काम सुने में आ रहा है कि जल्दी शुरू कर देंगे, और कमर्शियल्स पे भी जल्दी शुरू कर देंगे। ये पीछे जी सारा जो ना वो बी ब्लॉक फिर ए ब्लॉक, यहाँ पे अभी काम शुरू नहीं हुआ। ए और बी पे अभी काम शुरू नहीं हुआ। ये कटिंग जो ना वो सी ब्लॉक की है सारी जी। व्यूअर्स, कमर्शियल्स के हवाले से भी उन्होंने बताया था उस दिन बैलेट वाले दिन कि जल्दी इसको भी अनाउंस करेंगे, इसकी भी उन्होंने ऑक्शन करनी है, इसके कमर्शियल्स की भी। ये एफ ब्लॉक है और 150 फिट रोड, और ये डिवाइडेड रोड है बेसिकली डी का और एफ का। ये ऊपर डी की कटिंग होगी, यहाँ पे भी काम शुरू नहीं हुआ, और ये नीचे सारा ई ब्लॉक है। और ये फिर हम 200 फिट रोड की तरफ आ रहे हैं जो कि चनाब रोड से कहते हैं। इसकी जो फिलहाल मेन अप्रोच है वो इसी 200 फिट रोड से होगी। ये चनाब रोड इसका नाम इन्होंने रखा है। और अब एच ब्लॉक में हम लोग आ गए। ये सारा एस ब्लॉक है। व्यूअर्स देखें, काम 2 माह में किया है, ये जितना भी हुआ है 2-3 माह के अंदर उन्होंने किया है। ये ऊपर जी ब्लॉक आप देख रहे हैं, यहाँ पे जी ब्लॉक में भी अभी काम होना है जी शुरू। ये भी एच ब्लॉक की लैंड है, यहाँ पे भी अभी काम शुरू होना है जी। काफी जगहों पे इन्होंने सीवरेज का काम भी कर दिया है। इस तरह एच ब्लॉक की जो शुरू वाले प्लॉट्स हैं, जे ब्लॉक में आपने देखा पीछे जाके काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा काम वो एफ ब्लॉक में उन्होंने किया है। उधर सीवरेज का लेआउट काफी हद तक मुकम्मल कर लिया उन्होंने। इस वक्त हम लोग सोसाइटी की जो पिछले ब्लॉक हैं उसकी तरफ आ रहे हैं। हमारे राइट साइड पे आगे एल ब्लॉक शुरू हो जाएगा। ये मैप में एक जो तिकोन सी बन रही है वो एग्जैक्टली इस जगह पे आके बन रही है जी। अच्छा, आपने मैप का लेआउट देखें, कोई ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई बैकड्रॉ नहीं है इसमें। साइडों पे हम देखें, ये एच ब्लॉक से हम आगे एफ ब्लॉक में एंटर हो रहे हैं, एल ब्लॉक में सॉरी एंटर हो रहे हैं। ये देखिए, एक मैप में भी त्रिकोण देखेंगे, पीछे कोई ऐसी कोई वीक पॉइंट नहीं है। हालांकि थोड़ा पीछे आ गया है, लेकिन इसमें भी कोई बैकड्रॉ नहीं है एफ ब्लॉक में या एल ब्लॉक में या जे ब्लॉक में। ये एल ब्लॉक में हम लोग एंटर हो गए। ये सारे एल ब्लॉक की कटिंग है, और ऊपर वो जी ब्लॉक आ रहा है यहाँ तक एंड तक ना। और ये के ब्लॉक शुरू हो गया अपर कटिंग में। ये एल ब्लॉक का सारा लेआउट है, देखिए इस पे काम चल रहा है, कुछ काम इन्होंने किया है, बाकी कुछ पे काम कर रहे हैं। ये देखें बस, ये पीछे एक छोटी सी कोई एक छोटी नाला टाइप और नहर टाइप एक चीज साथ साथ बाउंड्री के चल रही है, और पीछे कोई ऐसी कोई गांव या इस तरह की कोई आबादी नहीं है लोकल। पीछे भी सारी एग्रीकल्चर क्लियर लैंड है। ये एल ब्लॉक है सारा, ये इस पोर्शन में भी काम नहीं उन्होंने किया। ये गवर्नमेंट इनके अभी पोजेशन में नहीं आई होगी या इन प्रोसेस होगी लैंड ये वाली। यहाँ पे आके व्यूअर्स, इन ब्लॉक्स में प्राइसेस थोड़ी कम हो जाती हैं, जिसमें 5 मरला 10 मरला की। और ये जो 300 फीट का जो मेन रोड है, ये उस रोड पे आ गए हैं जी। इस मेन रोड को जेलम रोड कहते हैं। ये एल ब्लॉक का ये बिल्कुल एंड के जो रोड्स हैं उसका व्यू है। ये 300 फीट रोड आप देख रहे होंगे, ये जेलम रोड है। और राइट साइड पे ये क्यू ब्लॉक आ जाता है जी। ये क्यू ब्लॉक की कटिंग है, क्यू ब्लॉक में भी काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन आप देखें ये जो इसकी अपर कटिंग है क्यू ब्लॉक की, बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत कटिंग होगी, क्योंकि ये मेन 300 फीट रोड से इसकी अप्रोच होगी। और ये ओलंपिक विलेज सोसाइटी है बैक साइड पे बाउंड्री वॉल के अंदर आप देख रहे हैं। और इन ब्लॉक्स में भी ऐसा कोई बैकड्रॉ नहीं है, आप ड्रॉन वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये क्यू ब्लॉक है जो कि 300 फीट रोड पे आ रहा है, जेलम रोड पे।
और ये 150 फिट रोड है, सतलुज रोड इसे कहते हैं। जी बिकॉज ये यहां से ये देखें सतलुज रोड है, ये 150 फिट रोड, और आगे फिर 300 फिट रोड से आपको MNP को जो ब्लॉक्स हैं उनका ओवरव्यू आ जाएगा। ये ब्लॉक्स हैं साथ ये ओलंपिक विलेज सोसाइटी। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की लेटेस्ट ड्रोन वीडियो। अपनी फर्दर क्वेरीज के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम मियां वकास है, मेरा कांटेक्ट नंबर है 0333417716। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम।